गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो काठमांडू से निकल रही हूँ आज। नेपाल का लास्ट डे नहीं है, मैं जाऊँगी जनकपुर जहाँ पे सीता माता का बर्थ प्लेस है और तीर्थ, एकदम तीर्थ प्लेस है बोलते हैं, तो मैं कभी गई नहीं। वो बिहार में नहीं है, नेपाल में ही है, थोड़ा आगे जाने से नेपाल बॉर्डर, बिहार बॉर्डर आता है। तो मैंने पैकिंग कर लिया अभी सुबह, बहुत डिफ़िकल्ट है सारा रेडी करना, ऊपर से इतना ज़्यादा मेरा हालत दिखी बाइक का, यू कैन इमेजिन कितना डस्ट से मड से ही होके आया। तो अभी भी पूरा रेडी है, पैक्ड है, आई एम गोइंग अगेन। दूसरा वाला रास्ता लेंगे, जैसे आने के टाइम मैंने बोला था कि एक दूसरा रूट लूँगी, सो दिखाती हूँ कौन सा रूट लेती हूँ और वो रूट कैसा है। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी टुडे गाइस। अभी मैं हूँ हाईवे पे और यहाँ से भक्तपुर, जो यस लास्ट मैंने दिखाया था एक वीडियो में, भक्तपुर पूरा दिखाया था मैंने आप लोगों को। तो यहाँ से थोड़ा आगे जाके लेफ्ट में है भक्तपुर टाउन, ये सिटी का मेन हाईवे है। यहाँ से जा सकते हैं आप बर्दिवास, मतलब मेन हाईवे। तो मेरा जर्नी है आज जनकपुर तक, जो अराउंड आई थिंक 200 किलोमीटर्स चला नहीं है, 210 किलोमीटर्स है यहाँ से। और मैं कहाँ से जाती हूँ और क्या दिखता है मेरे साथ देखिए, एंजॉय करिए मेरा राइड आज, रिटर्न जर्नी वाला राइड। सो पेट्रोल डाल रहे हैं, 181 रुपीस नेपाली करेंसी है, फुल टैंक करना है मुझे। और ये थैंक्स टू इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जिन्होंने मुझे फ्यूल का स्पॉन्सरशिप दिया है। यहाँ नेपाल में तो चलेगा नहीं, बट आई एक्सचेंज द करेंसी, कैलकुलेशन जो भी होगा उस हिसाब से। ओवरफ्लो नहीं करना है। बस बस, तो आया मेरा 1800 रुपीज का पेट्रोल। ये है आपका आर्निका राजमार्ग, आर्निका हाईवे है जो बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही एकदम आई थिंक न्यू रास्ता है क्योंकि कोई ब्रोकन रोड कुछ भी है ही नहीं। और व्यू देखिए कितना मज़ा आ रहा है, अभी सुबह का व्यू है, ठंडा भी है, ओपन स्काई, थोड़ा ट्रैफिक है क्योंकि रास्ता छोटा है, बस चलेगा। अभी खाली मैंने कुछ खाया नहीं सुबह जब निकली होटल से, तो पहले तो आपको पता है मैं पहले पेट पूजा करती हूँ, तो ढाबा रेस्टोरेंट देखना पड़ेगा। नेपाल रोड ट्रिप में ये अच्छा है कि खाने की कमी नहीं है, हर जगह मतलब ऑलमोस्ट थोड़ी दूर में ही आपको दिखेगा होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट्स और यमी फूड है। मसाला नहीं खाते ये लोग इतना ज़्यादा। तो मैं अभी ढूंढूंगी जहाँ थोड़ा पार्किंग भी मिले और मेरे बाइक में इतना सारा लगेज है, फिर करूँगी पेट पूजा। तो पार्किंग के साथ एक रास्ते में ही मिल गया ढाबा, इसमें मैं खाऊँगी ब्रेकफास्ट। लेट्स गो, माय ब्रेकफास्ट, ब्रेड टोस्ट, ऑमलेट एंड सब्जी। क्लोज अ व्यू, दिस ब्रेड, नमक परफेक्ट है। मेरा कल भी ब्रेकफास्ट यही था, आज भी ब्रेकफास्ट यही है। ये वैसा है, मटर, चना, कच्चा प्याज, धनिया, आलू, गरम गरम फ्रेश कर दिया एकदम सुबह सुबह। निकल पड़ी अभी मैं अपने राइड पे वापस। आई एम हेडिंग टूवर्ड्स धूलखेल, धूलखेल का चौक आएगा आई थिंक, उसके बाद मुझे लेना पड़ेगा राइट टर्न। रास्ता बहुत मज़ेदार है, मतलब सुबह सुबह का आज का राइड मज़ा आ गया, लेकिन इतना क्लियर स्काई और सब राइट साइड में तो अभी व्यू बहुत सुंदर है। कर्वी रोड्स आई रियली लव, लेफ्ट साइड में देखिए व्यू, ये क्लाउड्स है नीचे,
ऊपर क्लाउड्स है। वाओ क्या व्यू है, माय गुडनेस, उफ माइंड ब्लोइंग। इसीलिए बोलते हैं राइड करो, यू एंजॉय द एयर, द ब्यूटी, द नेचर, लवली लवली। At the mind-blowing view, clouds, pahar, valley, और यहाँ मेरा बाइक, और ये रोड, और ये मैं। ये धूल खेल वाला रास्ता है, यहाँ से जाना है मुझे सीधा 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 सिंधुली की तरफ, जो कहते हैं जापानीज हाईवे, वो भी मुझे देखना है जापानीज हाईवे कैसा है। क्या व्यू है, क्या व्यू है, माय गॉड। बस राइड करने के लिए आ जाइए, बाइक लेके राइड करके, देन यू विल टेल मी कि क्या फीलिंग आता है। बस कुछ नहीं, आप लोग एंजॉय करिए और व्यू देखिए, नेचर, रास्ता, पानी, और ये मेरा बाइक। फॉर ऑल राइडर्स, फॉर ऑल ट्रेवलर्स, सी द ब्यूटी। ग्लास है, फ्रेम वाला ग्लास। मंदिर भी है, ये रीज़न कोई बता दे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कि ये मिरर्स क्यों लगाया है। अच्छा तो दिख रहा है, लेकिन कोई रीज़न है, ये मंदिर के लिए है या क्या और रीज़न है, ये सारा मिरर एंड मिरर, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं हमें, मिरर्स रास्ते में क्या कर रहे हैं। एक्सीडेंट नहीं था, वो ट्रैफिक हो गया था, पंचर हो गया था इसीलिए, और मेरा गोप्रो भी डाउन हो गया था, अभी चार्ज किया है, अभी खाना खाने बैठी हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लग गया था। दिखाती हूँ मैं क्या खा रही हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी। तो ये पूरा पीछे खेत है, यहाँ पे मैंने रूम बोल रही हूँ, एक चेयर लिया जहाँ मैं बैठूँ, और पूरा फ्रेश एयर, कैन यू सी द ग्रीन, फैन का ज़रूरत है ही नहीं, एकदम विंड। और ये मेरा खाना, ये नेपाली थाली है, चिकन प्लेन दाल है, और ये लाई पात, आई थिंक दिस इज मिक्स वेज, थोड़ा सा ये भूत जलकिया है, आई थिंक भूत जलकिया दिखा मुझे। सो स्प्राइट लिया, थोड़ा उपाय नहीं था, बहुत ज़्यादा नहीं पीऊँगी, इतना सा ही पीना है मुझे, टू सिप्स। वहाँ पे मुझसे आके ये मिले और बोला Hello. आप मीनाक्षी हो, तो मैंने बोला कैसे पहचाना, तो इन्होंने बोला मेरा ब्लॉग देखा था। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, आगे भी देखिए, वेलकम टू नेपाल, आपको नेपाल में बहुत स्वागत है, फिर आइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कैसा लगा नेपाल? बहुत अच्छा लगा, बहुत yes. सबसे प्यार मिला, मेन वही है, सब वेलकम करने, अभी प्रूव कर दिया एकदम, और सबने देखा भी, थैंक यू सो मच। लेकिन दिस इज़ द बेस्ट रोड, जापानीज हाईवे इज़ द बेस्ट रोड टू एंजॉय नेपाल।
मैं पहुंचने वाली हूँ बर्दीबास। ये एक्चुअली चौक है जो पहले मैं गई थी जब इंडिया से आई थी सीधा, अभी ये सिंदूली से वापस आ रही हूँ। दो रास्ता है, इधर वे आप ले सकते हैं, सिंदूली से भी काठमांडू जा सकते हैं, और मैं जैसे उस साइड से गई थी हैदरोरा की तरफ से उधर भी जा सकते हैं। तो दिस इज़ बर्दीबास, यहाँ से मुझे जनकपुर के लिए इंडिया की तरफ मतलब लेफ्ट लेना है, और मैं लेफ्ट लूँगी। उसके बाद ये आ गया मेन बिग चौक एंड आई एम टेकिंग लेफ्ट। यहाँ से जाना है जनकपुर, सीता माता का देश। हल्के वर्ड नेक्स्ट से राइट लेना है शायद। यस, ये वाला गोल चक्कर से राइट लेके ये लेफ्ट टर्न जनकपुर। यहाँ से जनकपुर है 20 किलोमीटर। जनकपुर यही है, आगे है। जानकी मंदिर नहीं दिख रहा है, रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, सारे सबके कपड़े, मंदिर ये क्या है। अरे भाई, उन्होंने सारा आई थिंक अरेंजमेंट किया है। ये येलो रेड एंड जो कलर कॉम्बिनेशन वाला है यही होटल है। पहले मैं चेंज करूँगी, बहुत गर्मी लग रही है। छोटा सा जनकपुर नगरी है और ये छोटा सा रूम लिया, मिल गया फैन के साथ भी, बहुत एसी भी है। मैं चेंज नहा लेती हूँ तब तक।